मुंबई फुट ओवर ब्रिज हादसे के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कई बड़े फैसले किए। जनरल मैनेजर को सुरक्षा संबंधित फैसलों के सभी अधिकार दिए। जनरल मैनेजर को 18 महीने तक सुरक्षा पर खर्च करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। अगले 15 महीने में मुंबई के सभी उपनगरीय ट्रेनों में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। मुंबई के 8 यार्ड समेत पूरे भारत के 40 यार्ड्स को अपग्रेड किया जाएगा। 1,000 करोड़ का निवेश होगा। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर और एक्सीलेटर्स लगाए जाएंगे। फुट ओवर ब्रिज पर चल रहे कामों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा पिछली सरकारों की वजह से रेलवे की खस्ता मौजूदा हालत है। मुंबई स्टेशन हादसे में मारे गए लोगों को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। संजय निरुपम ने हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई स्टेशन हादसे के लिए राज ठाकरे ने दूसरे राज्यों से आए लोगों को जिम्मेदार ठहराया, कहा मुंबई पर बाहरी लोगों का बोझ बढ़ रहा है। एल्फिंस्टन हादसे में मारे गए व्यक्ति के माथे पर नंबर लिखने से बड़ा विवाद, कुछ लोगों ने डॉक्टर से धक्का मुक्की की, 2 लोग गिरफ्तार। मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 23 पर पहुंच गई है। बुरी तरह घायल ने केईएम हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मुंबई दशहरा रैली में पीएम मोदी पर बरसे उद्धव ठाकरे, बुलेट ट्रेन का फिर किया विरोध। उद्धव ठाकरे ने कहा पीएम मोदी ने अभी तक सिर्फ अच्छे दिन के सपने दिखाए हैं, लेकिन नागरिकों को दुख देने के अलावा कुछ नहीं किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा रोजमर्रा की चीजों की कीमत स्थिर रहेगी, तभी पीएम मोदी का कार्यकाल भी स्थिर रहेगा। पेट्रोल की कीमत पर भी उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा, कहा अगर कीमत सस्ती होती तो हम तारीफ करेंगे। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, बीएसएफ ने पकड़ी 14 फुट लंबी सुरंग। पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से बनी सुरंग त्योहारों के मौसम में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आप सुरंग के पास हथियार, गोला बारूद, वर्दियां और खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ है। लश्कर चीफ हाफिज सईद ने मानहानि का दावा ठोका, पाक विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ पर 10 करोड़ का मुकदमा किया। ख्वाजा आसिफ ने हाफिज और मसूद अजहर को पाकिस्तान पर बोझ बताया था। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचल दिया, चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 7 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हैं। प्राइवेट कंपनी के मैनेजर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। दिल्ली मेट्रो का किराया न बढ़ाने को लेकर सीएम केजरीवाल की अपील, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने डीएमआरसी की बोर्ड मीटिंग बुलाने का भी मांग की है, साथ ही केंद्र और राज्य की साझेदारी का भी मसला उठाया। डीएमआरसी ने किराया बढ़ाने को जरूरी बताया, कहा वर्ल्ड क्लास सर्विस देने के लिए किराया बढ़ाना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिटकॉइन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 4 लड़के यमुना नदी में डूब गए। यूपी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर में यमुना नदी में 4 बच्चे डूबे। महोबा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवक तालाब में डूबे, दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल, जलते अंगारों पर नंगे पैर दौड़े कई लोग। राजस्थान के कोटा में दुखा दशहरे का अलग रंग, मिट्टी का रावण बनाकर पैरों से रौंदा, रावण के वंशजों ने मनाया शुभ दिवस। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने महाराष्ट्र एटीएस पर कई गंभीर आरोप लगाए, कहा साध्वी प्रज्ञा को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। लुधियाना में पुलिस ने बब्बर खालसा के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, 3 पिस्टल और 33 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पंजाब में बादल सरकार में मंत्री रहे सुच्चा सिंह ने प्रेस रिलीज करने के बावजूद रेप के केस में सरेंडर नहीं किया, विजयदशमी की छुट्टी के बावजूद इंतजार करते रहे मजिस्ट्रेट। यूपी पर हक को लेकर चुनाव आयोग ने शरद यादव से जवाब मांगा है, कहा तथ्यों के साथ जवाब दें। बिहार के समस्तीपुर पहुंचा बचपन बचाओ अभियान का काफिला, भारत में बढ़ रहे यौन शोषण के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी ने अभियान चला रखा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सीएमओ दफ्तर में तैनात एक कर्मचारी के खिलाफ 200 बार आरटीआई लगाई गई, कर्मचारी ने ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 10 से ज्यादा गांवों में हाथियों का आतंक, गांव वालों के लिए वन विभाग का जागरूकता अभियान। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में एक जीप भाखड़ा नहर में डूब गई, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के अमरोहा में 16 लाख के नकली नोट के साथ 5 लोग गिरफ्तार, नोट छापने की मशीन और विदेशी करेंसी जब्त की गई। गाजियाबाद के सिहानी गेट गैंगरेप मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के मुताबिक लूट के इरादे से जंगल में ले गए। झारखंड के पाकुड़ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दुर्गा पूजा देखकर लौट रहा था युवा। यूपी के हापुड़ में दहेज के लिए महिला की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। अहमदाबाद में स्टाइलिश मूछ रखने पर दलित की पिटाई कर दी गई, कथित तौर पर उच्च जाति के लोगों पर पिटाई करने का आरोप। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, गर्भपात के आरोप में नर्स गिरफ्तार। यूपी के बागपत में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, लूट के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी।
पंजाब के तरनतारन में एसटीएफ ने एक ड्रग तस्कर को पकड़ा है। फायरिंग की आड़ में पांच बदमाश भाग निकले। 500 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के फार्म हाउस में महिला का शव मिलने की गुत्थी सुलझी। जादू टोने के शक में हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शामली में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारने गई पुलिस की टीम पर हमला। एक पुलिसकर्मी समेत एक बदमाश घायल हो गया, तीन बदमाश फरार हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में आज खेला जाएगा आखिरी वनडे मैच। भारत इस सीरीज में 3-1 से आगे। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का बन सकता है रिकॉर्ड। पहली बार होगी 4-1 से जीत।